दोस्तों ओप्पो ने अपना एक नया स्मार्टफोन को टीज करना शुरू कर दिया है और वो फोन है ओप्पो F7 जिसकी लॉन्च डेट 26 मार्च को रखी गई है। इस फोन के हाइलाइटिंग फीचर के बारे में दोस्तों अगर बात करें तो इस फोन का हाइलाइटिंग फीचर है 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और आईफोन X के तरह नोच डिस्प्ले। दोस्तों जब से आईफोन 10 में यानी आईफोन X में नोच वाला डिस्प्ले आया है तभी से सभी कंपनियां आईफोन 10 के तरह नोच वाला डिस्प्ले वाला फ़ोन बनाने में लगी हुई हैं और सब कॉपी कर रहे हैं आईफोन 10 की, और या फिर हम कह सकते हैं कि आईफोन 10 से इंस्पायर्ड हो रही है। इस बार ओप्पो ने हार्दिक पांड्या को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आज जो टीजर रिलीज की गई थी ओप्पो की तरफ से उसमें क्लियरली शो हो रहा है कि एक क्रिकेटर स्मार्टफोन को होल्ड करके है और वो क्रिकेटर दोस्तों है आपका हार्दिक पांड्या। अभी तक इस फ़ोन की कुछ भी ऑफिशियल डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से कहा जा रहा है कि इसकी प्राइस इंडिया में 25,000 हो सकती है। हर साल की तरह इस साल भी ओप्पो सेल्फी कैमरा को टीज कर रही है और यह इंडस्ट्री का पहला 25 मेगापिक्सल वाला सेल्फी कैमरा वाला फोन होने वाला है। लेकिन कंपनी यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के कोई भी फंक्शन या फीचर के बारे में बात नहीं कर रही है, कुछ भी टीज नहीं कर रही है। इसकी ऑफिशियल डिटेल्स तो कुछ भी निकल के नहीं आई है, लेकिन जो रिपोर्ट्स निकल के सामने आई हैं उसके हिसाब से इस फोन में आपको 6.2 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलेगी 19:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ इंक्लूडिंग द नॉच, और अगर हम नॉच को छोड़ देते हैं तो 18:9 एस्पेक्ट का रेशियो इसमें देखने को मिलेगा आपको। दोस्तों फोन में आपको स्नैपड्रैगन का 630 चिपसेट या फिर मीडिया टेक का हीलियो P30 चिपसेट देखने को मिल सकता है, लेकिन कुछ भी अभी कन्फर्म नहीं है और दूसरी कोई जानकारी इस फोन के रिगार्डिंग अभी अवेलेबल नहीं है। दोस्तों फोन पीछे से काफ़ी हद तक F5 की तरह दिखता है और पीछे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और ओप्पो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। दोस्तों ओप्पो F7 में माइक्रो USB और 3.5mm ऑडियो जैक का भी सपोर्ट रहेगा। तो दोस्तों यही थी इस फ़ोन के बारे में कुछ जानकारी जो अभी अवेलेबल है फिलहाल, और इसके अलावा कोई भी जानकारी अवेलेबल नहीं है तो इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा 26 मार्च का। 26 मार्च को पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा अगर इससे पहले भी हमको कुछ पता चलता है तो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। इंडियन मार्केट में दोस्तों काफ़ी कंपटीशन है, सोमी के फ़ोन जो हैं काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं इंडियन मार्केट में और चारों तरफ अपना कब्जा जमा लिए हैं, क्योंकि हर प्राइस रेंज में सोमी के फ़ोन हमें मिल जा रहे हैं और अच्छे स्पेक के साथ मिल रहे हैं। और सोमी ने भी सेल्फी सेंट्रिक फ़ोन काफ़ी लॉन्च किए हैं। अगर हम बात करें रेडमी Y1 की जो 8,999 रुपये में आता है जिसमें आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, उसके अलावा रेडमी नोट 5 प्रो जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है उसमें भी आपको 20 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है और ये फ़ोन आता है 13,999 रुपये में। तो अब इतना आसान नहीं होगा, अगर ओप्पो को इंडियन मार्केट में अपनी धांस जमानी है तो फिर फ़ोन की प्राइस जो है काफ़ी एग्रेसिव रखनी पड़ेगी, तभी जाके कंपटीशन दे सकते हैं रेडमी नोट 5 प्रो को। नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि रेडमी नोट 5 प्रो को छोड़ के लोग सिर्फ आईफोन X के नोच वाले डिस्प्ले के लिए ओप्पो F7 को लेंगे। बाकी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप रेडमी नोट 5 प्रो को छोड़ के ओप्पो F7 लेंगे या फिर रेडमी नोट 5 प्रो ही लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपके दिल में कोई भी किसी तरह का भी डाउट हो, किसी भी फ़ोन से रिलेटेड या किसी भी जानकारी चाहिए, आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई करता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए।